भाइयों बहनों, मैं आप लोगों के बीच में धरा चैनल के माध्यम से, धरा क्लासेस के माध्यम से एक नया वीडियो बनाने का प्रयास कर रहा हूं, और जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी होगा। मैं चाहता हूं कि आप इस चैनल को अवश्य देखें और पूरा ही वीडियो देखें। मैं हर क्षेत्र के बारे में इसमें थोड़ा बहुत बताऊंगा, जैसा कि मैं ये पहला वीडियो जो बनाने जा रहा हूं, ये इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश ग्रामर के बारे में है, जिसमें आपको स्टार्टिंग से हम बताना प्रारंभ करेंगे, जो सभी लोगों के लिए लाभकारी होगा और बहुत ही डीपली बताया जाएगा। आपने तमाम सारे चैनलों पर इंग्लिश ग्रामर के बारे में देखा होगा, पढ़ा होगा, पुस्तकों में पढ़ा होगा, लेकिन मैं इस दृष्टिकोण से इस चैनल को स्टार्ट कर रहा हूं कि इफ़ बट की कोई स्थिति ना बनी रहे, आपको विधिवत चीज़ें बताई जाएं और आपके समझ में आएं, जिससे आप हर टॉपिक को समझ पाएं स्टेप वाइज स्टेप। जब आप हमारी वीडियो को देखेंगे तो आपके समझ में पूरी बात आएगी। तो मैं सबसे पहले लैंग्वेज के बारे में बताने जा रहा हूँ। लैंग्वेज, लैंग्वेज को हिंदी में क्या कहते हैं? भाषा। द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज लैंग्वेज? प्रश्न ये उठता है कि भाषा क्या है और भाषा को हमें क्यों आवश्यकता पड़ती है जानने की। तो मानव, आदिमानव के बारे में आपने जाना होगा। आदिमानव जब वो थे तो उनके पास भाषाएं नहीं थीं। अब उनके इशारे क्या थे, कैसे वो एक दूसरे को बातें करते थे, कैसे पहचानते थे, कैसे वो अपने कार्य को करते थे, वो हम इतिहास उठाकर देख सकते हैं। परंतु लैंग्वेज मानव के लिए एक ऐसा माध्यम है जिसको हम अपने तक न रखकर दूसरे तक प्रेषित कर सकते हैं। हिंदी में इसको परिभाषित किया गया है कि भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है। अभिव्यक्त का मतलब होता है भाषा अभिव्यक्ति। इंग्लिश में हम इसको कह सकते हैं लैंग्वेज इज द मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन। लैंग्वेज इज द प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेशन, जिसको हम अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाने के एक माध्यम के रूप में हम भाषा का प्रयोग करते हैं। तो विदाउट लैंग्वेज हम कैसे जी सकते थे, इसके बारे में हम सोच सकते हैं। अब हम इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में बताने जा रहे हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के लिए सबसे पहले हमको क्या आवश्यकता होती है। भाषा अभिव्यक्त का माध्यम है। अभिव्यक्त मीन्स होता है एक्सप्रेशन। जब हम अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं तो जिस तकनीक से हम इस्तेमाल करते हैं अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाने के लिए, उसमें भाषा मुख्य कार्य करती है। अब जैसे तमाम भाषाएं हैं, अलग अलग क्षेत्रों की, अलग अलग देशों की, तो इंग्लिश लैंग्वेज जो है ये हमारी एक अभिव्यक्त का साधन है, जिसको हम अभिव्यक्त करते हैं, अपने व्यक्त करते हैं, दूसरे तक पहुंचाते हैं। तो उसके लिए तमाम सारी चीज़ें हमको जाननी आवश्यक होती हैं। तो सर्वप्रथम इसमें जो है हम देखेंगे कि इसके लिए हमको किसकी ज़रूरत पड़ती है। अल्फ़ाबेट,
अल्फाबेट को हिंदी में कहते हैं वर्ण माला। अब वर्ण माला, वर्ण माला, वर्णों की माला, जैसा आप जानते हैं माला तो जानते ही हैं आप लोग। माला का मतलब जो गूंथ कर पहना जाता है, तो वर्णों की माला अर्थात अल्फाबेट में हम वर्णों की माला का समावेश करते हैं, जो कि लेटर्स के रूप में होते हैं। किस रूप में होते हैं? लेटर्स। अब ये लेटर्स जो है, जिसको हम वर्ण कहते हैं, अब ये वर्ण जो है इंग्लिश में आप लोग जानते हैं, हम बेसिक चीज़ें बता रहे हैं, इससे आप उबिएगा नहीं, क्योंकि किसी चीज़ को डीप स्टडी करना बहुत ही आवश्यक होता है। जितने भी कंपटीशन हैं उसमें सारी चीज़ें पूछ ली जाती हैं, तो लोग सोचने को बेहोश हो जाते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दें कि जो वर्ण है, लेटर्स है, इस लेटर्स में हम जो है इंग्लिश के लिए हमें ज़रूरत पड़ जाती है दो तरह की लेटर्स होती हैं। अब एक होता है इसमें कैपिटल लेटर्स, जिसको हम और दूसरा होता है स्मॉल। स्मॉल लेटर एंड कैपिटल लेटर्स। अब इसके बारे में आप लोगों को पता है कि ए से लेकर के जेड तक जो भी हम लिखते हैं कैपिटल लेटर लिखते हैं, उसके बाद जो है स्मॉल लेटर लिखते हैं, और इनको हम कहाँ पर प्रयोग करते हैं और स्मॉल को कहाँ पर प्रयोग करते हैं, ये सारी चीज़ें हम बताएंगे भी आपको, और आप लोग जानते भी हैं। अब आप ध्यान दें कि ये जो लेटर्स हैं, हिंदी में हम इनको वर्ण कहते हैं, इनका प्रयोग हम जो है प्रायः वर्ड्स निर्माण के लिए करते हैं। इन लेटर्स का प्रयोग हम वर्ड्स के लिए करते हैं, वर्ड्स के लिए, शब्दों के लिए, शब्द निर्माण के लिए। अब कहाँ पे किस शब्द का प्रयोग करते हैं, किस लेटर्स का प्रयोग करते हैं, इसमें जो है हम दो चीज़ें विशेष रूप से देखते हैं। एक तो जो है वावेल और दूसरा जो है कॉन्सोनेंट। अब वावेल्स, वावेल्स को हिंदी में क्या कहते हैं? स्वर। और कॉन्सोनेंट को क्या कहते हैं हिंदी में? व्यंजन। दिखाई पर देखिए, वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट, स्वर और व्यंजन। ध्यान दें इसमें जैसे हम हिंदी में पढ़ रहे हैं, स्वर व्यंजन अलग अलग होते हैं, आ से लेकर के आह तक जो है, इसी प्रकार से जो है इंग्लिश में भी स्वर अलग बताए गए हैं और कॉन्सोनेंट्स अलग हैं, जिनकी हमें आवश्यकता पड़ती है। हिंदी में तो हम बिना स्वर के लिख भी सकते हैं, क्योंकि उसमें जो है स्वर छिपा रहता है, परंतु इंग्लिश में हमें स्वर की आवश्यकता पड़ती है। विदाउट वावेल वी कैन नॉट राइट एनी वर्ड्स, दिस इज द इम्पॉर्टेंट मैसेज फॉर एवरीबडी, दैट विदाउट वावेल वी कैन नॉट राइट एनी वर्ड्स। इफ वी नॉट यूज वावेल्स एट दैट टाइम वी विल नेवर सक्सेस टू राइट एनी वर्ड्स। व्हाट इज द रीजन? ध्यान दें कि जब हम किसी भी वावेल को कॉन्सोनेंट के साथ में जोड़ेंगे या लगाएंगे, तभी हमारा कोई वर्ड्स बन पाएगा। ये वावेल हमारे कितने होते हैं भाई? ये वावेल हमारे जो है 5 होते हैं, 5 वावेल। और ये कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? 21। तो 21 प्लस 5 इजिकल टू 26, कुल मिलाकर के इनकी संख्या कितनी हो जाती है? इनकी संख्या हो जाती है 26। अब आप ये जान सकते हैं
कि ये 26 हमारे जो लेटर्स हैं इसमें वॉवल कितने हैं, 5, कॉन्सोनेंट कितने हैं, 21, अर्थात 5 वॉवल, 5 स्वर और 21 कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन, 21 व्यंजन ये मिल करके जो है क्या बन जाते हैं, 26 लेटर्स बनते हैं। अब 26 लेटर्स का हम किस रूप से प्रयोग करते हैं, कहाँ प्रयोग करते हैं, क्यों करते हैं, किसी वर्ड्स की मीनिंग के लिए या किसी वर्ड्स के निर्माण के लिए हम करते हैं, और जब वर्ड्स निर्माण हो जाता है शब्द बना लेते हैं तो शब्द के पश्चात हम उसको अलग तरीके से प्रयोग करते हैं, सेंटेंस में प्रयोग करते हैं। फिलहाल ध्यान दें मेरे प्रिय दोस्तों, आप इसको थोड़ा अन्यथा में ना लेंगे, दिस इज़ नॉट अननेसेसरी थिंग, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अननेसेसरी थिंग, बिकॉज द क्वेश्चन विल बी कॉल टू यू, क्वेश्चन विल बी आस्क्ड टू यू दैट व्हाट इज वॉवल एंड हाउ मेनी नंबर्स ऑफ वॉवल्स। यदि आपको पता है तो आप तुरंत बताएंगे कि देयर आर 5 वॉवल्स एंड व्हाट इज कॉन्सोनेंट एंड व्हाट इज द नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट, तब आप बता सकते हैं देयर आर 21 कॉन्सोनेंट। तो इसलिए किसी भी चीज़ को विदाउट हेजिटेट किए हुए हमें जानकारी होनी चाहिए और परफेक्ट जानकारी होनी चाहिए कि हम किसी भी बात को छोटे छोटे स्तर वालों को, बड़े से बड़े स्तर वालों को समझा लाए जाएँ, समझा पाएँ। हमारी कैपेसिटी क्या होनी चाहिए, हमारे पास ज्ञान का भंडार हो, बहुत बड़े ज्ञाता हो, बहुत बड़े विद्वान हो, बट हमारे पास जो है अगर एबिलिटी नहीं है, किसी को प्रीच करने की एबिलिटी नहीं है, किसी को टीच करने की, किसी को समझाने की एबिलिटी नहीं है, तो हमारा ज्ञान बेकार हो जाता है। तो यही बात है, इसलिए ये भी कहा गया है कि थोड़ा ज्ञान जो है, लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, हमारे पास ये थोड़ा ज्ञान है, हम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं तो वो भी ठीक नहीं है, और अल्पज्ञ तो सभी है, सभी लोग हैं, कोई जो है अपने आप को विद्वान कहे तो ठीक नहीं होता है। ध्यान दें वॉवल जो होता है वो 5 होता है और कॉन्सोनेंट जो होता है वो 21 होता है। अब हम इसका कहाँ पर प्रयोग करते हैं, कैसे प्रयोग करते हैं, ये सब सारी चीज़ें हम आपको अगले पैटर्न्स में, जिसको हम अब बताने जा रहे हैं वर्ड्स के रूप में हम आपको बताएंगे। अब हम यहाँ पर जैसे ये वर्ड्स है एपल्स, मोहन, रोहित, इलाहाबाद, गर्ल, लायन। अब आप जो जितने भी वर्ड्स हैं, जो भी वर्ड्स हैं, इन सब के साथ आप देख रहे हैं कि इसमें जो है हम लेटर्स का प्रयोग किए हैं, और लेटर्स के प्रयोग में देख रहे हैं कि हम कहाँ पर कैपिटल लेटर्स का प्रयोग किए हैं और कहाँ पे स्मॉल लेटर का प्रयोग किए हैं। जैसे मैंने एपिल लिखा, अब एपिल में हमने ए का प्रयोग किया जो कि कैपिटल है, बाकी जो है ये आपका स्मॉल में है। इसी तरह से हमने मोहन लिखा तो इसमें जो है ये यम कैपिटल का हो गया, रोहित में आर हो गया, इलाहाबाद में ए हो गया, गर्ल में जी लिखा कैपिटल्स के रूप में। अब कैपिटल लिखने के भी कुछ नियम हैं, जैसे कुछ जो नाउंस होते हैं उनका नाम जो है कैपिटल में हमेशा लिखा जाता है, परंतु कुछ चीज़ें जैसे यहाँ गर्ल लिखा हुआ है, लायन लिखा हुआ है, इसके लिए हमें कैपिटल लिखने की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए सेंटेंस के बीच में ये वर्ड्स आ जाते हैं तो हमको कैपिटल लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, परंतु यदि नाउन के रूप किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी स्थान का नाम आ जाए, तो चाहे वो स्टार्टिंग में आ जाए सेंटेंस के,
चाहे बीच में आ जाए, हमको कैपिटल लिखने की आवश्यकता पड़ती है। तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है, इसलिए स्मॉल और कैपिटल लेटर दोनों को जानना आवश्यक होता है। तो अब हम आपको अगले टॉपिक्स में ये बताना चाहते हैं कि ये जो है, जो शब्द होते हैं, वर्ड्स होते हैं, जब उनका ज्ञान हमको हो जाता है, वर्ड्स भी कई तरीके से होते हैं, कुछ वर्ब होते हैं, कुछ नाउन के रूप में होते हैं, कुछ जो है प्रीपोजिशन के रूप, तमाम तरीके से वर्ड्स लिखे जाते हैं। तो इनको हम अलग अलग तरीके से जानने के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में समझते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच, देखिए ध्यान दें, पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, थ्री वर्ड्स, देयर आर यूज हियर थ्री वर्ड्स। अब इसमें आप ध्यान दें, इसको हम हिंदी में कहते हैं शब्दों के भेद, शब्दों के भेद। भाई शब्द क्या है? शब्द मीन्स वर्ड्स, शब्द की इंग्लिश वर्ड्स, वर्ड्स मीन्स शब्द होता है। तो शब्दों के भेद कि ये वर्ड्स जो है क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, कंजक्शन, प्रीपोजिशन वगैरह जो भी है। तो वर्ड्स जो होते हैं, इन वर्ड्स, वर्ड्स के बारे में हम जानकारी करते हैं कि किसी सेंटेंस में जिन वर्ड्स का प्रयोग किया, जिस वर्ड्स का प्रयोग किया गया है, वो वर्ड्स है क्या। तो आप ध्यान दें कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है ये बताती है, इट इज़ द डिफिनेशन ऑफ डिफरेंसेज ऑफ द वर्ड्स, वर्ड्स की विभिन्नताएँ, उसकी भिन्नताओं को बताने वाला जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। अब इसके अंतर्गत हम जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत सर्वप्रथम जो है किसका प्रयोग करते हैं, लिखते हैं ग्रामर में इंग्लिश के, नाउन। नाउन, नाउन को क्या कहते हैं, संज्ञा। ध्यान दें, अब सभी लोग जानते हैं नाउन, नाउन मीन संज्ञा, संज्ञा। एंड व्हाट इज, हिंदी में बताया जाए कि व्हाट इज नाउन, तो नाउन की परिभाषा भी सब लोगों को पता है कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग्स, कहते हैं आर थिंग्स। इसी तरह से संज्ञा भी बताया जाता है, किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। अब थोड़ा और आप डीपली में जाएंगे तो संज्ञा जो है, जिसको हम संज्ञा कहते हैं हिंदी में, व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ संज्ञा, हिंदी में आपको बताना हो तो क्या बताएंगे? संज्ञा का मतलब है संज्ञान। जब हम किसी चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त कर लें, किसी चीज़ के बारे में हम अवगत हो जाएं, तो वही संज्ञा होती है। और बिना संज्ञा ले कहते हैं लोग, हमारे संज्ञान में नहीं था, हमारे संज्ञान में नहीं था कि आप वहीं थे, यानी कि आप साथ में रहने वाला ज्ञान, अस्मरण रहने वाला, जिसको हम अपने आप में भुला ना पाएं, हमेशा याद रहे। तो जो चीज़ हमारे साथ रहती है, जिस चीज़ के बारे में हम हमेशा रिमेम्बर रखते हैं, जिस चीज़ के बारे में हम अपने आप को काबिज रखते हैं, उसके लिए हम, उसी को हम संज्ञा भी कहते हैं, संज्ञा होता है। तो इसकी परिभाषा है, डेफिनेशन इसका है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ध्यान दें, अब इसकी परिभाषा में हमें बताया गया, डेफिनेशन में, कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। पर्सन मीन्स, पर्सन मीन्स व्यक्ति। अब व्यक्ति का नाम मोहन, सोहन, राकेश, रजिया, सुल्ताना, कुछ भी हो सकता है, तो पर्सन के अंतर्गत आ जाता है। प्लेस के मतलब होता है स्थान, स्थान के लिए हम जैसे दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, कानपुर, लखनऊ आदि का नाम हम यहाँ पर लिख सकते हैं, जिसको हम प्लेस के रूप में जानते हैं। प्लेस के नाम को हम इस नाउन के अंतर्गत जानते हैं, पर्सन के नाम को हम इस नाउन के अंतर्गत जानते हैं। और थिंग्स, थिंग्स, थिंग्स जो है वस्तुओं के बारे में, भावनाओं के बारे में भी हम कहते हैं,
शी इज बीपिंग लाउडली। अब यहाँ पे बीप करना भी रोना भी एक थिंग होता है। और जैसे आप कह रहे हैं कि आई हैव मैनी थिंग्स एट इन माई हाउस एट माई कंट्री एट माई सिटी, तो इस तरह से मतलब हम उसका प्रयोग करते हैं। रुको, तो यहाँ पर जो है नाउन इज द चालू क्या हो, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस आर थिंग्स, यानी संज्ञा इसको हम लिख सकते हैं, संज्ञा किसी व्यक्ति वस्तु व स्थान के नाम को कहते हैं। संज्ञा किसी व्यक्ति वस्तु व स्थान के नाम को कहते हैं। बात क्लियर हो गई कि जैसा मैंने ऊपर बताया कि पर्सन प्लेस आर थिंग्स, व्यक्ति वस्तु व स्थान के नाम को समझे संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर ये थोड़ा हमें ध्यान देना है कि जब हमें इसकी परिभाषाएं मालूम हो गई, इसके बारे में हमें जानकारी हो गई, तो अब हमें थोड़ा और आगे जाना है नाउन्स को लेकर के, कि ये नाउन जो संज्ञा है ये क्या नाउन ही अकेला ही है, इसके साथ और कोई है? तो हम ध्यान देंगे, इसको हम 5 कंडीशन में डिवाइड किए हैं, जिसको के कहते हैं काम प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आज मैं आपको इसके भाग के बारे में बताऊंगा, उसका डिफिनेशन और उसके उदाहरण मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले आप ये जान लें कि इसमें जो है इस नाउन को हम 5 भागों में डिवाइड किए हैं, जिसको कहते हैं प्रॉपर नाउन। इसको कहते हैं व्यक्ति वाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इससे हमें किसी व्यक्ति विशेष का बोध होता है। एंड नंबर 2 कॉमन नाउन, इसको हम कहते हैं जाति वाचक संज्ञा। जातिवाचक, वर्गवाचक, हम अलग अलग डिफिनेशन करके आपको बताएंगे। और 3 नंबर पर है कलेक्टिव नाउन। इसको कहते हैं समूह वाचक संज्ञा। एंड 4 नंबर पर है मटेरियल नाउन। इसको कहते हैं वस्तु वाचक संज्ञा। और 5 नंबर पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसको कहते हैं भाववाचक भाववाचक संज्ञा। हमने हिंदी में भी लिख दिया है जिससे आपको परेशानी ना हो। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, सेकंडली कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, एंड थर्डली कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, और मटेरियल नाउन
फोर नंबर वस्तुवाचक संज्ञा एंड फाइव नंबर एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। अब इनके अलग अलग परिभाषाएं हैं, इनके अलग अलग प्रयोग हैं, जिसको मैं आपको विशेष रूप से बताने का प्रयास करूंगा, जिससे आप इसको क्लियर कर पाएं कि पांचों में किसी भी सेंटेंस में हमें यह पहचानना है तो प्रॉपर नाउन इसमें क्या है, कॉमन क्या है, कलेक्टिव क्या है, मटेरियल क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्या है, इसको हम विधिवत आपको बताएंगे, जिससे आपको जानकारी आगे के लिए हो, और इसको हम अगले वीडियो में आपको देंगे। और आशा है, क्योंकि ये मेरा जो वीडियो है जिसके माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ, इसका नाम है धरा क्लासेस। अब ये नाम रखा गया इसका, धरा मतलब पृथ्वी, तो हमने यही उचित समझा कि क्योंकि पृथ्वी पर सब कुछ है, एवरीथिंग इज प्रेजेंट इन द वर्ल्ड ऑन द अर्थ, सो मैंने ये समझा अपने हिसाब से कि इस चैनल का नाम जो है धरा क्लासेस रखा जाए, जिससे जो भी चीज़ें हैं, जिस भी चीज़ों के बारे में हमारी अज्ञानता है, उस सभी क्षेत्र में हम जो है उनको बता सकें, और जहाँ तक इंग्लिश ग्रामर अभी मैं स्टार्ट किया हूँ, और आने वाले समय में कुछ बच्चों की परीक्षाएं भी आ रही हैं, कंपटीशन की, SSC और अन्य कम्पिटेटिव एग्ज़ाम आ रहे हैं, तो मैं सोचता हूं कि कुछ उनको टेक्निकल चीज़ें ऐसी बताई जाएं कि जो उनके परीक्षा में लाभकारी हों, फिर भी उन्हें भी इस बात को ध्यान से पढ़ना समझना चाहिए, बेसिक चीज़ों को, कि जिससे उनके लिए फ़ायदा मिल पावे और अपने जीवन को अच्छे से आगे बढ़ा पाएं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहता हूं कि भाई इस वीडियो को आप लोग लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। यदि आपको कोई चीज़ जानकारी प्राप्त करनी है, किसी प्रकार की आपके अंदर उत्सुकता है या आपके अंदर कोई बातें हैं, तो कमेंट के रूप में हमें बता सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, तो व्हाट्सएप नंबर हम आपको ज़रूर समझेंगे तो बता देंगे। फिर भी आप अपने सभी दोस्तों को और सभी जो आपके संबंध के लोग हैं, उनको ये बताने की कोशिश करें, शेयर करें इसको। और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए, अगले वीडियो बनाने की बात करें, जैसे भी हो, और मैं प्रयास करूंगा कि आपको 100% सेटिस्फाई करूंगा, क्योंकि मैं एक पेशे से भी एक टीचर ही हूं, टीचिंग का कार्य करता हूं, और हमारी ये इच्छा थी, बच्चों की ये इच्छा थी, उन्होंने मुझे काफ़ी प्रेस किया कि सर जी आप जो है अपने चैनल को चलाइए, तो मैंने इसको स्टार्ट किया, और मेरा पूरा विश्वास है कि हमारे इस चैनल से आप लोगों को हर तरह से फायदे मिलेंगे। और मैं न केवल इंग्लिश की बात करता हूँ, मैं आपको, क्योंकि मेरी डिग्री भी है हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत, तीन विषय में मैं MA और BEd हूँ, तो अभी तो मैं इंग्लिश का स्टार्ट किया हूँ, उसके बाद मैं हिंदी के भी बारे में, ग्रामर के बारे में बताऊँगा, व्याकरण के बारे में बताऊँगा, और संस्कृत के बारे में भी आपको बताऊँगा, और कुछ जो है आर्गुमेंटल चीज़ें भी आपको बताई जाएंगी। तो जैसे जैसे आप लोग रिकमेंड करेंगे, मैं आपको सेवा देता रहूँगा। धन्यवाद। जय भारत। जय हिंद।